Recently, Shekhar Suman was spotted at grand launch of Umang Kumar Animal Painting Charity event. And actor here reacts to various things. Have a look at the interview. पशु को लेकर मतलब आई थिंक पशु बोलना ही नहीं चाहिए, अगर प्रयास है तो पशु के प्रति एक ह्यूमन अप्रोच बहुत ज़रूरी है. तो वी हैव जस्ट ह्यूमनाइज द होल थिंग. पहले पशुओं को सिर्फ पशुओं की तरह देखा जाता था, जानवर मतलब एक गाली समान था, और किसी को अगर गाली देनी थी तो आप कहते थे जानवर की तरह बिहेव मत करो. बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त बदला है, बहुत तेज़ी से बदलाव आया है. सिर्फ जो समीकरण है वो औरतों और मर्दों के बीच में ही नहीं बदला है, बल्कि जो समाज में जितने लोग हैं और जितनी तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो पशु पक्षी जानवर हो, सबके साथ इक्वेशन हमारा बदल गया है. और एक ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी बर्ताव उनके प्रति अब बहुत ज़रूरी हो गया है. और मुझे खुशी है कि इतने लोग इस जज्बात को अब समझने लगे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं. तो ये जो उमंग कुमार का ये जो प्रयास है, दैट एनिमल्स मैटर टू मी, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है, जहां आप जानवरों को जानवरों की तरह नहीं देख रहे, एक प्राणी की तरह देख रहे हैं, जैसे इंसान एक प्राणी उसी तरह देख रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में जो जिंदा है और जो सांस ले रहा है, वो सब बराबर हैं. पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी वो भी एक जीव है. तो जितने लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हालांकि वातावरण जिंदा नहीं है, लेकिन आप वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो हर के प्रति एक एटीट्यूड जो है वो बदलने की बहुत ज़रूरत है. वो बाबा आदम के ज़माने से जो एटीट्यूड चला आ रहा था, उसको बदलने की सख्त ज़रूरत है. और वो प्रयास जो है भले ही कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पूरा समाज, एक पूरा समूह शामिल हो रहा है. ये बड़ी अच्छी बात है कि उसमें गति और प्रवाह आ रही है. बहुत शुक्रिया. और देखिए, अब मैं हमेशा इसलिए आता हूँ पार्टी में कि सब जर्नलिस्टों का काम आसान कर दूँ. मुझे खास इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप सवाल ना पूछें, बस जवाब सुने. और इतने सारे सवाल पूछने की भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मसला जो है, मुद्दा यही है कि एनिमल्स मैटर टू मी, ऑफकोर्स, एंड इट शुड हैव मैटर लॉन्ग अगो. लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर. अब से जो ये प्रयास शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में, और ऐसे कुछ लोग थे जो जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे इंसानों के साथ, वो उनके साथ सोते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ जानवर थे. लेकिन अब वो जो एक सोच में, मनोवृत्ति में एक बहुत गहरा, जिसको पैराडाइम शिफ्ट आया है, जहाँ सब अभी बराबर हैं. ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, इट्स अ ग्रेट मूव. मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो खरीद लेंगे. जी हाँ जी, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको बेहतर मालूम होगा मुझसे. ऐसी कौन सी चीज है जो बिकाऊ नहीं है आज की दुनिया में? सब बिकता है. इंसान बिक रहा है तो अवार्ड तो बहुत छोटी सी चीज है. मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ. एक छोटा सा किस्सा है, वो आप सुन लें कि अवार्ड किस तरह से. और वो एक इंसान जो अवार्ड बेचता था, मैं ये इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड फंक्शन जो हर साल होता है, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये शख्स जो थे, वो जितने नॉमिनेशंस होते थे ना, पाँच पाँच हर कैटेगरी में, तो हर के पास जाता था. वो कहता था मैं आपको अवार्ड दिला दूंगा, 2 लाख रुपये लगेंगे, और अगर नहीं मिला तो पैसे वापस. अब उन पांचों में से एक को तो मिलना था, बाकी सबका वापस कर देता था, और जिसको मिलता था उसको लगता था इसी वजह से मिला, वो बेचारा चुपचाप रहता था. ऐसी कितनी कैटेगरीज मल्टीप्लाइड बाई 2 उतने पैसे वो बनाता गया. बोले इतने बेवकूफ सा खरीदते गए, उनको ऐसा लगता था खरीदते रहते थे, सबसे पैसे बनाता गया. बाद में कहा भी बहुत हो गया, खुद ही आके उसने कबूल कर लिया. पर अवार्ड्स फिक्स किए जाते, ये तो मालूम ही, इसमें कोई इतनी हैरत वाली बात नहीं है. अरे क्या कह दिया आपने, तो इट्स ब्लास्फेमी, ऐसा नहीं. अवार्ड बिकते हैं, अवार्ड अरेंज किए जाते हैं, अवार्ड फिक्स होते हैं. हाँ जी, अब इन ये इट्स हिज डे. अब शेखर सर नहीं, अब उमंग सर. सर हमारा हो गया. हाँ, हमारा नहीं, आपकी शुरुआत है. सर, हाँ जी, ओके. सर, 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 सर,
कैलेंडर आगे हाँ जी बाहर आगे क्या डाले अरे क्या डाल मोबाइल जेब में डाल लो क्यों उससे क्या होगा It's a Jazz report from Nexen World.